भाई एक सवाल है कि मेरे दोस्त की शादी होने वाली है मुहर्रम में, तो लोग जो दोस्त रिश्तेदार हुए कि मुहर्रम में शादी ना करें, मना है। भाई मुहर्रम में शादी क्यों ना करें? मुहर्रम में शादी करने से जो रोकते हैं वो राफदी शिया रोकते हैं, मुहर्रम में शादी नहीं करते वो, खासतौर पहले 10 दिनों में। अहले बिदायत हैं, अहले खुराफात हैं, और बिदायत का मायने कि बग़ैर दलील के, यानी कोई आप चीज़ कोई ईजाद करें, और यह भी आप बग़ैर दलील के। अब निकाह तो आप पूरे साल में कर सकते हैं, सिर्फ एहराम की हालत में ममानअत है, आप निकाह नहीं कर सकते जब आप एहराम की हालत में हो, मना किया गया है, महदूरातुल एहराम में से है। लेकिन उसके अलावा आप शादी करना चाहते हैं तो शादी करें। अब मुहर्रम का महीने के क्या ताल्लुक है शादी न करने से? वो कहते हैं शोक का महीना है। क्या शोक का महीना है? अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम मुहर्रम में भी शादी की, सहाबा कराम मुहर्रम में शादी की, तो ये शोक का महीना कब से हुआ? जो शरीयत ने जिसकी ममानअत की है वो हमारे लिए मना है, और जिस चीज़ शरीयत ने ममानअत नहीं की कुछ है उसको अपने ऊपर मना कर देते, ये भी बिदअत की एक सूरत है, तो ये जायज़ नहीं है मेरे भाइयों।